अगली खबर में बात करते हैं जयपुर की, जहां कार सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वह अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था। पार्टी के दौरान कार सवार बदमाश फायरिंग कर भाग निकले। कानोता थाना पुलिस ने सूचना कर नाकाबंदी कराई, लेकिन कार सवार हमलावरों का सुराग नहीं लगा। पेट में गोली लगने से घायल युवक को SMS हॉस्पिटल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फूटावाला आंधी निवासी मनीष शर्मा पुत्र मूलचंद शर्मा को गोली मारी गई है। मनीष मानस परिवार सिक्योरिटी एजेंसी में बाउंसर का काम करता है। मनीष ने पर्चा बयान में बताया कि 25 सितंबर को साथी JP शर्मा का बर्थडे था। JP शर्मा का बर्थडे मनाने के लिए एजेंसी के साथ काम करने वाले मोहन, बबलू, शशि, विकास सहित अन्य दोस्त इकट्ठा हुए। शाम करीब 7 बजे सभी दोस्त आगरा रोड स्थित 52 फीट हनुमान जी के सामने बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान अचानक स्विफ्ट डिजायर कार में 4-5 बदमाश आए, जिन्होंने चलती कार से फायर किया। गोली पत्थरों में जाकर लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी मुड़कर कार की तरफ देखने लगे। तभी बदमाशों ने दूसरा राउंड फायर किया। गोली सीधे उसके पेट में आकर लगी। गोली लगते ही मनीष लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। साथियों ने तुरंत गंभीर हालत में मनीष को SMS हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ट्रोमा वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। मेडिकल सूचना पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मनीष के होश में आने के बाद पर्चा बयान दर्ज किया। पर्चा बयान में मनीष ने कार में राहुल मीणा और रिंकू मीणा के साथियों के साथ होना बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है।